वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। सातवें चरण में पंजाब में महज चार दिन बाद मतदान होने जा रहे हैं और आज वो जलंधर में पहुंचे। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि आज वो जलंधर में लोकसभा उम्मीदवार पवन टीनू के हक में रैली करने पहुंचे। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लोग उनका स्वागत किया जा रहा है। जेल में था साथ मौजूद है अरविंद केजरीवाल को बहुत मिस किया मैंने, आप सब लोगों को आप लोगों ने मिस किया। मान साहब आते थे मेरे पास जेल में मिलने के लिए, वो बताते थे पंजाब में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे दिल को सुकून मिलता था। हेलो हेलो दोस्तों, आप लोगों ने 2 साल पहले हमें भारी बहुमत दिया था। किस किस की बिजली फ्री हो गई हाथ खड़े करके, पक्की बात? बहुत अच्छी बात है। मोहल्ला क्लिनिक बने, कैसे हैं? दवाइयां मिलती हैं, डॉक्टर अच्छा इलाज करता है। अब पूरे पंजाब में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आम आदमी क्लिनिक बनाएंगे। आई लव यू 2, 3, 4। पूरे पंजाब में स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए, कभी ऐसी सरकार देखी थी आप लोगों ने? आज आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं, मांग लूं? दोगे? आप लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट दी, इसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा आप लोगों का। छोटा सा आदमी हूं मैं, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान दिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये केंद्र सरकार के चुनाव है, केंद्र सरकार ने तानाशाही कर रखी है, कर रखी है कि नहीं कर रखी? इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, बताओ मेरे से इनकी क्या खुल गई? छोटा सा आदमी, हर मोहल्ले में मोहल्ले, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया। पंजाब सरकार की तरफ से कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, मैं भ्रष्टाचारी हूँ? मैंने आपकी लोकसभा उम्मीद कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, स्कूल ठीक कर रहा हूँ, अस्पताल बना रहा हूँ। आप इनके बीजेपी वालों के राज्य में चले जाओ, बिजली इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बिजली के लिए भी लोगों को एक बड़ी जो है राहत, सीधी सी बात है। कैमरामैन जलंधर की घोषणा 16 मार्च। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।